भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड की तरफ से पोस्ट जारी की गई ही। टोटल वेकेंसीज 4907 4960 ही बम्पर। भारतीय होन वाली ही पोस्ट की बात करते ही तो डेयरी एक्सटेंशन ऑफिस डीडी पोस्ट ही, डेयरी डेवलपमेंट ऑफिसर टीसरी पोस्ट ही। डेयरी कोऑर्डिनेटर की आवेदन आपको केवल ऑनलाइन हाई करना ही। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते ही। मेल और फीमेल बात करते ही सिलेक्शन प्रोसेस की तो यह आपकी कोई एग्जाम नहीं होगी। डायरेक्ट भारती होम को ही सैलरी आपको मिलेगी 15,000 से 21,000 तक। एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 18 साल से 40 साल ही। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप 10वीं 12वीं पास ग्रेजुएट ही तो अप्लाई कर सकते ही। आप केवल 10वीं पास ही तो भी अप्लाई कर सकते ही। आवेदन इसके स्टार्ट हो चुके ही, लास्ट डेट ही 31 मई तक ही। आवेदन आपको सिर्फ ऑनलाइन हाई करने को ही। आवेदन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया ही। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आके चेक कर सकते ही, वहां लिंक दिया ही। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से रिक्रूटमेंट के बेयर में आज बात करते ही, अगर हम पोस्ट की बात करते ही तो डेप्यूटी मनगर डीएम टेक्निकल की पोस्ट जारी की गई ही। टोटल वेकेंसीज 41 ही आप लिए, आपको सिर्फ ऑनलाइन कानी ही। ऑल ओवर इंडिया की जॉब लोकेशन ही, ऑल ओवर इंडिया के मेल और फीमेल इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते ही। सिलेक्शन प्रोसेस में अगर आपके पास वैलिड गेट स्कोर 2021 ही तो आप अप्लाई कर सकते ही। यह आपको सैलरी अच्छी मिल रही ही। पे बैंड 3 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिल रही ही 15,600 से 39,100। यह आपका बेसिक पे स्केल ही। ग्रेड पे आपका 5400 का ही। यह आप 55,000 तक सैलरी पा सकते ही। एप्लीकेशन फीस सभी कैंडिडेट्स के लिए फ्री ही। एज लिमिट 30 साल तक का ही। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका डिग्री फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। आवेदन करने की लास्ट डेट 28 में ही। आवेदन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया ही। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज की तरफ से वेरियस पोस्ट की ऑफर ही। वेकेंसी डिटेल के बात करते ही तो यहाँ पहले स्टेनोग्राफर क्लार्क मोटर ड्राइवर सुखानी कार्पेंटर मल्टी स्टाफ कुल मिलाकर यहाँ 83 की पोस्ट जारी कर दिए ही। बहुत सारी पोस्ट ही अप्लाई आपको ऑफलाइन यानी कि बाय पोस्ट इस वेकेंसी के लिए ऑल ओवर इंडिया से मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते ही। सिलेक्शन टेस्ट मेन आपकी रिटन टेस्ट होगी, बाद मेन इंटरव्यू होगा। सैलरी आपको 18,000 से 81,000 तक मिलेगी। एज लिमिट जो ही वो ही 18 साल से 27 साल तक होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 10वीं 12वीं पास ही हो। ग्रेजुएट कोई भी यूनिवर्सिटी से चलेगा। पोस्टल एड्रेस आपको वेबसाइट पर दिया। पिन कोड के साथ आपको अप्लाई करना होगा ही। और यह आप नोट कर लीजिए, आवेदन आपको 1 मई से लास्ट डेट ही 22 मई तक करना होगा। आवेदन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया ही। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आके चेक कर सकते ही, वहां लिंक दिया ही। DFCCIL रिक्रूटमेंट की 1,400 पोस्ट की भारती करने वाली ही पोस्ट की बातें करते ही तो जूनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका ही। आवेदन ऑनलाइन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका ही। ऑल ओवर इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते ही। यह रेलवे की जॉब ही। सिलेक्शन प्रोसेस मेन आपकी एग्जाम होगी। सैलरी आपकी 25,000 से 1,07,000 तक आपको पर मंथ मिलेगी। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया की ही। एज लिमिट मिनिमम 18 साल की ही और मैक्सिमम एज 30 साल की ही। एप्लीकेशन फीस की बात करें जूनियर मनगर के लिए 1,000 ही, एग्जीक्यूटिव के लिए 900 रुपये ही। जूनियर एग्जीक्यूटिव के 700 रुपये ही फीस पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। किसी भी माध्यम से एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते ही तो 10वीं पास 12वीं पास सिटी डिप्लोमा
डिग्री है, सभी कैंडिडेट्स एप्लीकेशन कर सकते ही, आवेदन की लास्ट डेट क्रश में ही, आवेदन का लिंक नीचे दिया ही। फूड सेफ्टी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आ चुकी ही लेटेस्ट जॉब ऑफर, अलग अलग पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया ही। 6 टाइप्स ऑफ वैकेंसी ही, नंबर 1 पर प्रिंसिपल की पोस्ट, मैनेजर की पोस्ट ही, 2 नंबर की पोस्ट जॉइंट डायरेक्टर की ही, 3 नंबर की सीनियर मैनेजर की, 4 नंबर की सीनियर मैनेजर इट की, 5 नंबर की ही डेप्यूटी डायरेक्टर की, 6 नंबर की ही मैनेजर की अप्लाई आपको ऑनलाइन करना ही। ऑल ओवर इंडिया के मेल और फीमेल दोनों कर सकते ही जॉब लोकेशन। ऑल ओवर इंडिया का ही सैलरी आपको मिल रही ही 67,700 से 1,23,000 तक पर मंथ। आपकी एग्जाम होगी, बाद मेन इंटरव्यू होगा, एज मैक्सिमम 25 साल का ही, एप्लीकेशन की नो फीस ही, एजुकेशन ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट 38 पोस्ट जारी किया ही, आवेदन 16 अप्रैल से 15 मई तक की ही, आवेदन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया ही, उससे क्लिक करें और हमारी वेबसाइट पर से आवेदन का लिंक अप्लाई करें। एनटीपीसी की नई वैकेंसी की बात करते ही, एनटीपीसी लिमिटेड की तरफ से पोस्ट की बात करते ही, तो यहाँ इंजीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, यहाँ अलग अलग ब्रांचेस ही, वो आप चेकआउट कर सकते ही। टोटल वैकेंसीज जो ही वो ही पैचेस अप्लाई आपको ऑनलाइन हाई करना होगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी ही। ऑल ओवर इंडिया से मेल और फीमेलिश पोस्ट के लिए एलिजिबल ही और अप्लाई कर सकते ही। यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस में आपकी कोई एग्जाम नहीं ली जाएगी। अगर आप गेट स्क्रॉल किया ही 2021 की अप्लाई कर सकते ही, फाइनल ईयर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते ही। सैलरी आपको 40,000 से 1,40,000 तक की होगी। जॉब लोकेशन ही वो एनटीपीसी की रहेगी। एज लिमिट 18 से 27 साल की ही, इसमें कोई फी नहीं ही, सबके लिए फ्री ही। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो ही वो ही बीबीटेक, आप ही रेलेवेंट डिसिप्लिन में तो आप अप्लाई कर सकते ही। इसकी जो लास्ट डेट ही आवेदन करने की वो 6 मई 2021 की, आवेदन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया ही। डेल रिक्रूटमेंट की तरफ से टेक्निकल और टेक्निकल सपोर्ट की पोस्ट ऑफर ही, वैकेंसी डिटेल के बात करते ही, तो यहाँ पहले टेक्निकल और टेक्निकल सपोर्ट कुल मिलाकर यहाँ मल्टीपल पोस्ट जारी कर दिए ही, अप्लाई आपको ऑनलाइन करना ही। सिलेक्शन टेस्ट में आपका इंटरव्यू होगा, कोई भी रिटन टेस्ट नहीं। हॉक सैलरी आपको मिल रही ही 25,000 के आसपास रुपये की। आपका बेसिक पे अलग से होगा। आपकी जॉब लोकेशन प्योर इंडिया की होगी। आपका एजुकेशन 12 और ग्रेजुएट आगे लिमिट आपकी 18 साल की होनी चाहिए। मैक्सिमम रूल्स के हिसाब से होगी। एप्लीकेशन फीस सभी कैंडिडेट्स के लिए फ्री ही। मेल और फीमेल दोनों इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते ही। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो ही वो किसी भी स्ट्रीम में 12 और ग्रेजुएट होना चाहिए। आवेदन टाइप इसका स्टार्ट हो चुका ही और लास्ट डेट इज सून इज पॉसिबल ही। आवेदन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया ही। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आके चेक कर सकते ही, वहां लिंक दिया ही। यहां जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या ही वो आप यहां पढ़ सकते ही। यहां आप पूरी जानकारी ले सकते ही। अगर आपको जॉब मिलती ही तो आपको क्या करना होगा, क्या ड्यूटी करनी ही, कितना समय निकलना होगा, पूरी की पूरी जानकारी दी गई ही। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डिटेल पूरी ध्यान से पढ़ सकते ही। सटिस्ट कैंडिडेट की क्या रिक्वायरमेंट, क्या ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या ही वो दिया ही। आप शिफ्ट में काम कर सकते ही या फिर नॉर्मल डे में काम कर सकते ही। क्या स्किल रिक्वायर्ड ही वो दिया गया ही। क्या आपको नॉलेज होनी चाहिए ये दिया गया ही।
आपको अप्लाई कैसे करना ही है आपको बताते ही यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना। क्लिक करते ही आप डेल के करियर पेज पर आ जाएंगे। आप टेक्निकल एंड टेक्निकल सपोर्ट के पेज पर आ जाएंगे। इसमें जॉब टाइटल दिया गया ही, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई गई ही, जॉब लोकेशन बंगलो की ही और भी बहुत सारी जॉब ही जो आप जाकर चेकआउट कर सकते ही। यहाँ आपको सारी जानकारी दी गई ही, यहाँ आपको जॉब मिलती ही तो आपको करना क्या होगा, आपको टेलीफोन पर कस्टमर को सपोर्ट करना होगा। यहाँ कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स ही उसके बेअमेन कस्टमर को सपोर्ट करना होगा। टेक्निकल नॉलेज आपको देनी होगी, पूरी की पूरी जानकारी देनी होगी आपको, कस्टमर को देनी होगी। कस्टमर की क्वेरीज को सॉर्ट आउट करना होगा, आपको कस्टमर को हैंडल करना होगा। कैंडिडेट रिक्वायरमेंट क्या ही वो इस वेबसाइट पर दिया ही, यहाँ आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों आनी चाहिए। कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का पूरा नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि डेस्कटॉप लैपटॉप की होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड की तरफ से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट ऑफर ही वैकेंसी डिटेल के बात करते ही तो यहाँ पहले कॉन्फिडेंशियल की क्लर्क की अकाउंटेंट की कुल मिलाकर यहाँ 1277 की पोस्ट जारी कर दिए ही। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना ही, सिलेक्शन टेस्ट मेन आपकी ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगी, कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं होगा। सैलरी आपको मिल रही ही 9,300 से 14,800 रुपये की, आपका बेसिक पे अलग से होगा। आपकी जॉब लोकेशन उत्तर प्रदेश इंडिया की होगी। आगे लिमिट आपकी 1 से 2.5 साल की होगी। एप्लीकेशन फीस सभी कैंडिडेट्स के लिए सेम ही 400 रुपये। आप ऑनलाइन माध्यम से किसी भी तरह पेमेंट कर सकते ही। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो ही वो किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना चाहिए। आवेदन टाइप 15 में से 31 में तक ही। आवेदन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया ही, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आके चेक कर सकते ही, वहां लिंक दिया ही। पंजाब स्टेट CORPERATION बैंक रिक्रूटमेंट की तरफ से मैनेजर की पोस्ट, सीनियर मैनेजर की पोस्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट ऑफिसर की पोस्ट ही कुल मिलाकर टोटल वैकेंसी 856 की पोस्ट जारी कर दिए ही। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना ही, सिलेक्शन टेस्ट मेन रिटन टेस्ट बाद मेन इंटरव्यू होगा। सैलरी आपको मिल रही ही 19,900 से 35,400 तक होगी, आपका बेसिक पे अलग से होगा। आपकी जॉब लोकेशन पंजाब की होगी। आगे लिमिट आपकी 18 से 37 साल की होगी। एप्लीकेशन फीस SC कैंडिडेट्स के लिए 700 होगी, बेक कैंडिडेट्स के लिए 1400 रुपये होगी। आप ऑनलाइन माध्यम से किसी भी तरह पेमेंट कर सकते ही। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो ही वो किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। आवेदन टाइप की लास्ट डेट 20 मई तक ही। आवेदन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया ही, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आके चेक कर सकते ही, वहां लिंक दिया ही।